अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज अध्ययन का फर्स्ट डे है ना अध्ययन स्कूल में, तो यहाँ पर अध्ययन अभी रेडी हो गया है। और अध्ययन अभी कौन सी क्लास में गया अध्ययन? सेकंड जी ना। अले मैंने उसका टिफिन भी बना दी हूँ। अले ये टिफिन हैंकी। अले जल्दी लिखा है सेकंड जी। अब यहाँ पे क्यों ले चल, यहाँ पे लिख दे। यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, दे तो गेट पे क्या बोलेगा? सेकंड जी में जाने के रूम नंबर टीचर ने 210 दिए लाए। 210 ठीक है। 210 आज के दिन ये आइडेंटिटी लेक्चर, कल नया लाती हूँ। नोटबुक लेने तब शूज भी ले लेंगे। छोटा हो रहा है ना अभी, नोटबुक लेने जाएंगे ना अभी। जल्दी जाएगा जाएगा, कोशिश कर। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। बराबर सुबह जल्दी उठा था ना आज। बाय बाय। मम्मी अगर नहीं आएगी ना तो आंटी रोड क्रॉस करके दे देंगे। ओके बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे शाम में अध्ययन को लाने के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 6:10 की उसकी बस का टाइम है, तो मुझे 6 बजे ही नीचे उतरना पड़ेगा। तो मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहती हूँ, और मैंने सुबह में ही चने को गर्म पानी में भिगा कर रखे थे। अब जब मैं उसमें नमक डालकर और बॉयल के लिए रख दूँगी, तो आज मैं उसकी बना रही हूँ चना चाट। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये चना चाट, और उसको चना चटपटी भी कहते हैं। और आज मैं बना रही हूँ चिकन के जो है ना शाही रोल, तो ये अध्ययन की फरमाइश में वो वापस बना रही हूँ। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ पर इफ्तार भी बाहर से लाते हैं, तो उसके लिए ये वाली जो डिशे ज़रूर लाते हैं, तो मैं सोची चलो आज उसके लिए बना दूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है इसमें। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैंने जो है ना ब्रेड डाला है, तो ब्रेड को मैंने थोड़ा सा गीला करके इसमें डाला है, और साथ में मैंने उसमें ना मिर्ची पाउडर डाला है, सॉरी चिली फ्लेक्स डाली हूँ थोड़ा सा, और उसके साथ में नमक, और उसमें डाली हूँ मैंने ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। अब मैं उसमें डाली हूँ हरा धनिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें जाएगा, और साथ में मैं इसमें हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो भी डालूंगी। आप चाहे तो इसमें जो है ना मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने जब भी बाहर खाया तो मुझे उसमें नहीं मिला है, लेकिन कोई कोई लोगों का वीडियोज़ में मैंने देखा है कि वो लोग डालते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हरा धनिया मैं इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर दूंगी इसमें, और उसमें जो है ना 1 चम्मच के करीब जो है मैं ऐड करने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको जो है ना अच्छा सा मिक्सर में इस तरह से जो मेरा फूड प्रोसेसर है मैं उसमें ग्राइंड कर दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं आपका नॉर्मल जो मिक्सर है वो। और ये एक्चुअल में मेरा जो है ना 4 अप्रैल का नहीं, ये मेरा 3 अप्रैल का वीडियो है, क्योंकि अध्ययन की स्कूल 3 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, तो एक्चुअल में मैं बहुत बिज़ी जा रही थी। उसकी जो वजह है वो आपको आगे पता चलेंगी, तो क्यों मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मेरा ये पेंडिंग वीडियो था। तो मैं सोची पहले ये डालूँ, और फिर नेक्स्ट डे जो मेरा 4 अप्रैल का है वो मैं आप लोगों के लिए फिर फ्राइडे के दिन अपलोड करूँगी। तो सॉरी फॉर लेट, क्योंकि थोड़े 1-2 दिन वीडियोज़ मेरे थोड़े लेट चलेंगे, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलूँगी, क्योंकि फिर ये पेंडिंग वीडियो है, तो इसको मैं सोची पहले डाल देती हूँ। तो बहुत जल्दी मैं अपने जो है ना शेड्यूल पे आने की कोशिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आप लोग को बताया तो गिव अवे होने वाला है ईद वाले दिन, तो प्लीज़ आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर जिसने कमेंट नहीं किया है तो वो जाकर ज़रूर उसमें कमेंट करें। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ रोल, तो जिसके लिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक का जो बैग होता है उसको कट करके लिया है, और साथ में जो है मैंने चीज़ की स्लाइसेस ली हूँ, तो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अभी क्या करना है, हाथ को आपके थोड़ा सा तेल लगाना है, और जो हमने इस तरह से जो पेस्ट बनाया है जो ग्राइंड करके लिया है चिकन को, तो उसको इस तरह से इस पन्नी पर रखकर आपको हल्का हल्का सा बेलना है, और उसके बाद जो है ना चिकन के स्लाइस जो है उस पर रखते जाने। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, और मैं 1-2 आप लोगों को करके बताती हूँ ताकि आपको जो है ना आइडिया आ जाए। और फ्रेंड्स क्या हो गया ना, यहाँ पर ये ज़्यादा मतलब मेरे फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो थोड़े से हार्ड हो गए, तो मैं भूल गई थी इसको पहले निकालना। तो आप अगर फ्रीज़र में रखते हो
तो उसको ज़रूर पहले जो है ना बाहर निकल के रखे। तो इस तरह से मैं जो है ना रैपर की मदद से उसको शेप दूंगी और उसके बाद इस तरह से जो है ना उसको रोल का शेप में दे दूंगी। तो ये बहुत इजी है, बस 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो अब मैं इसको बनाकर साइड में रखूंगी और मेरे बाकी के भी जो है वो मैं एक एक करके बना दूंगी। तो मैं एक यहाँ पर और आप लोगों को बनाकर बताती हूँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ईजी प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा मतलब यम्मी लगता है बनाने में। और एक्चुअल में ये जो साइड में जो कढ़ाई कतली रखी थी ना, तो वो मुझे धोने में ही डालनी थी, तो थोड़ा सा ही उसमें ऑयल था, तो मैं सोची चलो पहले उसको यूज़ कर लेती हूँ फिर उसको धोने में डाल दूँगी। तो आप लोग कमेंट मत करना कि आप इतनी बड़ी इसमें हाथ डाल रहे हो। और यहाँ पर अभी उसको मैंने डाल दिया फ्राई के लिए, और पता नहीं कैसा मेरा शूट ही नहीं हुआ क्या, मैंने किस तरह से उसको जो है ना उस पर ब्रेड क्रम की कोटिंग की थी। तो कुछ नहीं, आपको अंडे में उसको डिप करना है, उसके बाद उस पर ब्रेड क्रम अप्लाई करके उसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है वो। और यहाँ पर अभी मैं चना की जो है ना चटपटी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तेल लिया है, और तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया। और उसके बाद जो भी हमारे पास ये चाइनीज़ सॉसेज है, जैसा विनेगर है, चिली सॉस है, रेड चिली सॉस है और ब्लैक चिली सॉस है, वो मैंने यहाँ पर एक एक चम्मच इसमें ऐड किए। और फाइनली मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया टमाटो केचप। तो मेरा टमाटो केचप यहाँ पर ख़त्म हो गया था, और बहुत जल्दी मुझे जाना पड़ेगा डीमार्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मेरा ख़त्म हो गया है। और फिर उनको जलने दिए बगैर फटक से हमें उसमें ऐड कर देना है ये बॉयल्ड चना, क्योंकि नहीं तो वो नीचे से जो है ना जलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये मेरे जो चिकन शाही रोल है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो गए। तो अब मैं उसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। और मैंने आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने जो है ना इमली को गर्म पानी में भिगा कर रखी हूँ, तो इसलिए रखी हूँ कि जो चने हैं उसमें उसका जो पानी है वो हमें ऐड करना है। तो आपको तो पता है कितना कम टाइमिंग होता है, तो एक साथ में हम लोग को माशाल्लाह से बहुत सारे काम करने होते और मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा था इतने जल्दी लगने के बाद भी। तो उसके अप्पू का फ़ोन आया था, मतलब मेरे शोहर का, कि वो बोले कि वो 6 बजे आते हैं, तो वो बोले कि मैं नीचे ही रुकता हूँ, उसको लेकर मैं ऊपर आऊँगा। तो मेरा ये काम आसान हो गया कि वो नीचे रुक गए, तो मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मेरे शाही रोल हो चुके हैं, और यहाँ पर जो चना है वो भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अभी बस मैं इसमें इमली का ये जो पानी है वो ऐड कर दूंगी। तो इमली डालने के पहले मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा जो है ना बेसन, तो बेसन को मैंने थोड़ा सा फ्राई करके पहले रख दी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड किया। तो एकदम 2 से 3 जो है ना चम्मच ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया जो इमली का पानी होता है वो, और थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद इसमें जो है ना हम लोग हरा धनिया ऐड करेंगे, और उसको बस 2 से 3 मिनट तक जो है ना सब मसाले एक दूसरे में मिल जाए उतने टाइम तक उसको स्टर करके और पकने देंगे। तो उसके बाद जो हमारा ये चना जो है ना मसाला वो रेडी है। तो आप इसको चना चटपटी कह सकते हैं, चना मसाला कह सकते हैं, या तो ये चाइनीज़ स्टाइल जो है ना चना भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मेरी जो है ना बहुत फेवरेट रेसिपी है, और इनकी भी बहुत फेवरेट रेसिपी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, तो आप इसको चपाती के साथ भी खा। क्या हो बेटा, रोज़ा नहीं खोल रहा? आज मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल में जाके क्या हो गया, बुखार आ गई? नहीं आ रहा खोलने? जाओ मैं सोता, पैर दुख रहे? क्या हुआ पता नहीं आदि, इनको पहले दिन स्कूल में जाके, मैं सुबह में चेक की थी, मुझे लग ही रहा था सुबह में। नहीं जाने रोजा खोलने, सोता जाओ। मैं पता नहीं आज अधियान को क्या हो गया, पहला दिन स्कूल में जाके आया, और हम लोग अभी देखो यहाँ पर बैठे इफ्तार को, और वो ही नहीं आ रहा है। आज उसके बिना इफ्तार करेगी, सो गया।